तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 हिडन फीचर्स ऑफ इंस्टाग्राम स्टोरीज का। जी हाँ, इंस्टाग्राम स्टोरीज का आज हम हिडन सीक्रेट देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं comparaja.in यूट्यूब चैनल। तो जो पहला हिडन फीचर रहेगा फ्रेंड्स, उसका नाम है रेनबो टेक्स्ट। अब रेनबो टेक्स्ट मतलब ये कैसे काम करेगा, सिंपली आपको यहाँ पे एक पिक्चर निकाल लेना है यहाँ पे किसी भी चीज़ का, और उसको यहाँ पे आपको कुछ भी टाइप कर देना है। तो सिंपली मैं ये मतलब जो राइटिंग वाला सेक्शन है उस पर जाके यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ कि वाइट इज़ ऑलवेज ब्राइट, यहाँ पे कुछ भी आपको जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी टाइप करना है यहाँ पे टाइप कर लेना। उसके बाद अब सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ पे डन कर लेना है। अब डन करने के बाद आपको मैं बता दूँ, आप देख लीजिए ये प्लेन कलर है, नॉर्मल कलर है, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि कलर इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। अब सिंपली हम कलर कैसे चूज़ करते हैं, कोई भी कलर हम सिलेक्ट कर लेते तो उस कलर का हो जाता है, बट रेनबो इफेक्ट में सिंपली आपको कलर को होल्ड करके रखना है, और कलर को होल्ड करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे पूरा ऑल सिलेक्ट कर लेना है। अब ऑल सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जो रेनबो या फिर जो कलर इफेक्ट है यहाँ पे जो नीचे वाला, उसको सिंपली स्लाइड करते जाना है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को भी आपको साइमल्टेनियसली अपने हाथ को साथ ही में उसके स्लाइड करना है। तो स्लाइड करेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है और यहाँ पे जो कलर है वो यहाँ पे देख लीजिए चेंज हो रहा है। तो ये यहाँ पे देख लो, बहुत ही कूल यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेनबो इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट के ऊपर, और बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली आपको कलर को स्लाइड करना है, साथ ही में जो टेक्स्ट लिखा है उसे भी स्लाइड करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा, या फिर जो टेक्स्ट है वो एकदम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ आता है। तो ये एक बोल सकते हैं कि यूनिक इंस्टाग्राम स्टोरीज का यहाँ पे हिडन फीचर्स था। तो सेकेंड हिडन फीचर्स की बात करूँ इंस्टाग्राम स्टोरीज का, तो वो रहेगा बूमरैंग यूजिंग लाइव फोटो। अब हम सबको पता है कि हमारे कैमरे में एक ऑप्शन रहता है लाइव फ़ोटो का, तो बेसिकली वो एक वीडियो की तरह का फ़ोटो ही रहता है, छोटा सा वीडियो रहता है। तो ये हम बहुत अगर निकालते हैं तो फ्रेंड्स हमको इंस्टाग्राम में बूमरैंग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से, सिंपली आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करना है, और ये देख लीजिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे बूमरैंग हो रहा है। तो ये एक बोल सकते हैं बहुत ही कूल ऑप्शन है, अगर आपने लाइव फ़ोटो निकाला है तो अगर आप वो इंस्टाग्राम स्टोरीज में जाके बस नॉर्मल आप अपने पिक्चर्स को अपलोड करते हैं तो वो टोटली बूमरैंग तरीके से काम कर सकते। देख लीजिए मैंने पुराने भी एक दो वीडियो निकाले थे, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि बहुत ही कूल ऑप्शन है, और बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोग अलग से बूमरैंग निकालते हैं, बट आपका अगर लाइव फोटो निकालते हैं अपने कैमरा से और इंस्टाग्राम स्टोरीज में उसे पुट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बूमरैंग तरीके से काम कर सकता है। तो ये यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एक यूनिक हिडन फीचर्स है इंस्टाग्राम स्टोरीज का, कि आप बूमरैंग कर सकते हैं लाइव फोटोज के सहारे। तो फ्रेंड्स तीसरे हिडन फीचर्स की बात करूँ तो वो रहेगा क्रॉप इमेजेस बिफोर पोस्टिंग। तो ये बेसिकली काम कैसे करेगा, तो सिंपली अगर आप कोई भी अपना फोटोज यहाँ पे इंस्टाग्राम पे अगर पोस्ट करते हैं डायरेक्टली तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसे क्रॉप करता है, और जो बोल सकते हैं कि फोटोज का साइज या फिर क्लैरिटी है वो थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको वही इमेज को अपने गैलरी या फिर अपने एल्बम में जाना है और वहां से जाके आपको इसे यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। तो सिंपली आप अपने हिसाब से कैसे भी नॉर्मली आप कैसे भी क्रॉप कर लेना फ्रेंड्स अपने हिसाब से, फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, और यहाँ पे क्विकली आप, मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ पहले, तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्रॉप कर दिया और यहाँ पे मैंने सेव किया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली जाना है, इंस्टाग्राम पे मैं डायरेक्टली जाता हूँ और वो जो इमेज को मैंने अभी क्रॉप किया था वो इमेज को यहाँ पे मैं क्विकली ले लेता हूँ। तो ये देख लीजिए इमेज को मैंने ले लिया, और यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे इमेज आता है। तो ये देख लीजिए जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा मतलब साइज़ एकदम परफेक्ट हो गया है यहाँ पे, ना ज़्यादा मतलब बाहर नहीं जा रहा है, जो ग्रिड है वो ग्रिड लाइंस के अंदर ही रह गया है, और जो इमेज का क्लैरिटी है वो पूरा का पूरा यहाँ पे सेम है, डिग्रेड नहीं होता है। वरना इंस्टाग्राम क्या करता है, अगर फोटो का साइज़ बड़ा तो ऑटोमेटिकली इसे क्रॉप करता है, और ऑटोमेटिकली जो साइज़ है वो बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो ओरिजिनल फोटो रहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी अपना फोटो उसको इंस्टाग्राम स्टोरीज में अपलोड करना है तो सबसे पहले उसे नॉर्मली क्रॉप कर लीजिए अपने हिसाब से, 9:16 यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड रेशियो है, तो क्रॉप करके उसे स्टोरीज में डाल दीजिए तो आपका फोटो डिग्रेड नहीं होगा। तो फोर्थ हिडन फीचर्स की बात करूँ तो फ्रेंड्स वो रहेगा सस्पेंस इमेज। अब सस्पेंस इमेजेस मतलब क्या, कि अगर आपने कोई भी नया चीज़ लिया बट आपको लोगों को बताना नहीं खाली टीज करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो जैसे समझो आपने ये नया फ़ोन लिया है तो आपको उसका पिक्चर सिलेक्ट कर लेना है, पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद आपको ड्रॉ वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर कोई भी रैंडम एक कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सपोज मैंने ये कलर सिलेक्ट किया और आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बस उसको दबा के रखना है, और फिर जैसे आप हाथ छोड़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा स्क्रीन यहाँ पर उस कलर में रंग गया है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इरेज पर जाना है और यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसको रब कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये एक सस्पेंस इमेजेस, यानी कि आपने कुछ चीज़ नया खरीदा है बस आपको रिवील नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे टीज करना है
तो आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में इसके थ्रू ईजिली कर सकते हैं। तो ये एक बोल सकते कि अच्छा खासा हिडन फीचर है, अगर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग है हिडन फीचर्स, कि अगर आपको लोगों को कुछ बताना है कि आप क्या नया कर रहे हैं बट वो पूरे तरीके से रिवील नहीं करना है, तो आप इसका मदद ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था फोर्थ बोल सकते हैं हिडन फीचर्स ऑफ इंस्टाग्राम स्टोरीज, जहाँ पर आप अपने बोल सकते हैं कि इमेज को सस्पेंस तरीके से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स पाँचवें और आखिरी हिडन फीचर्स की बात करूँ तो वो रहेगा पोस्ट स्टोरीज डायरेक्टली थ्रू एल्बम्स। तो हमको जो भी स्टोरीज अपलोड करना रहता है तो हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, फिर स्टोरीज में जाते हैं, फिर स्टोरीज को अपलोड करते हैं। बट एक और ट्रिक है कि आप डायरेक्टली अपने पिक्चर्स को स्टोरीज इंस्टाग्राम स्टोरीज में अपलोड कर सकते हैं बिना इंस्टाग्राम खोले फिर स्टोरीज में जाए। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको एल्बम में चले जाना है। एल्बम में जाने के बाद आपको वो जो इमेज है उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसको यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन नीचे हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टोरीज दिख रहा है उस पर यहाँ पे डायरेक्टली डाल देना है। तो ये देख लीजिए डायरेक्टली इंस्टाग्राम स्टोरीज में और यहाँ से सेंड कर देंगे तो ये आपके स्टोरीज में आ जाएगा। तो ये एक बोल सकते हैं कि बहुत ही एक अच्छा फीचर है यहाँ पे फ्रेंड्स, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने वो फोटोज़ को एल्बम में सपोज आपने खोला और आपको डायरेक्टली स्टोरीज में डालना है तो आपको डायरेक्ट पहले इंस्टाग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सिंपली आपको यहाँ पे बस उस फोटोज़ में शेयर के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जो स्टोरीज़ का ऑप्शन है बस उसको सिंपली सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देख लीजिए ये आपके स्टोरीज़ में अपलोड हो गया। तो ये है फ्रेंड्स पाँचवा आखिरी हिडन फीचर्स इंस्टाग्राम स्टोरीज़ का। तो फ्रेंड्स यही था टॉप 5 हिडन फीचर्स ऑफ इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर एक वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आता तो उस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, और साथ ही में हमें कंपेयर राजा की इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो ये रहा हमारे कंपेयर राजा का आईडी, बस बने रहिए comparraja.in यूट्यूब चैनल के साथ। कंपेयर राजा की तरफ से आप लोगों को गुड बाय।